बड़ी खबर आ रही है, आसमान में रूस की विनाशक तैयारी से लगातार हड़कंप मच गया है। क्लाइमेट टेस्ट पर निकला है रूस का दूसरा बॉम्बर TU-160M। पहला TU-160 कई फ्लाइट टेस्ट से गुजर चुका है। सुपरसोनिक बॉम्बर TU-160 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। देखिए, जिस सुपरसोनिक बॉम्बर TU-160 की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में डिटेलिंग भी अब आपके सामने आ चुकी है। TU-160 लंबाई इसकी 54.1 मीटर है और विंग स्पैन जो है वो है 55.7 मीटर। ये स्पेशली डिटेलिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसकी ऊंचाई 13.1 मीटर बताई गई है और इसकी स्पीड जो है वो है 960 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी रेंज आप सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा कि कैसे ये इस युद्ध में और ज्यादा विनाशक होने जा रहा है। बॉम्बर 12,300 किलोमीटर की रेंज है, वजन इसका 100 टन है। और ऐसे में एक छोटा सा कमेंट मैं ओपी तिवारी जी से लेना चाहती हूँ। ओपी तिवारी जी, इस बॉम्बर की इस युद्ध में मौजूदगी कितनी ज्यादा और विनाशक हो सकती है? देखिए, ये तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पार्ट होगा। देखो, एक तो यह है कि रशिया एयरफोर्स के टर्म्स में USA से नंबर 2 पर है, लेकिन अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो ऑल ओवर डिस्पर्स्ड है। रशिया की लोकलाइज है तो रशिया इस तरीके से इस एरिया में नंबर 1 है, उसकी फोर्सेज USA से काफ़ी है। लेकिन ये बॉम्बर का फ्लाइंग करना और एक्टिव करना एक क्लियर दर्शाता है रशिया के लिए कि हमारे इंटेंशंस क्या हैं। हम कहीं भी जाके न्यूक्लियर बॉम्ब टैक्टिकल स्ट्रेटजिकल ड्रॉप